गाइस दिस इज वेरी सो वेलकम बैक विद द न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। सो फ्रेंड्स आज हम एक ऐसे टॉपिक को डील करने वाले जो कोविड-19 से भी डेंजर है और जिसमें आदमी का मरने का चांस जो है 50% से भी ज्यादा है। वो क्या चीज है? वो है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। तो ये सब होता है क्या और इसका जो है सिम्टम्स क्या है, इससे कैसे बचे और इसका मेन रीजन क्या है कि जो इंडिया में केसेस जो है पर डे बढ़ते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं, गेट रेडी एंड गेट स्टार्ट। ब्लैक फंगस जो होता है एक फंजाई है जो हमारे एनवायरनमेंट में रहता है, को हम लोग बोलते हैं माइक्रोमाइकोसिस, जो क्या है एक जानलेवा बीमारी है जिसको डायबिटीज़ हो और जिस जो अभी कोविड-19 से रिकवर हो तो वो लोग पे क्या करेगा, स्पेशली अटैक करेगा। ऐसा नहीं कि सबको हो जाएगा लेकिन ज़्यादातर अटैक इन्हीं लोगों को कर रहा है। क्या करता है, यह हमारे बॉडी में मान लो कि कहीं कट गया या कुछ भी हो, उसके थ्रू जो है हमारे बॉडी में इंटर कर देता है, उसके थ्रू इंटर कर देता है हमारे बॉडी का टिश्यू हुआ, उसको क्या करता है कि डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो मीन्स अगर टिश्यू डिस्ट्रॉय होगा तो हम लोग का जो है बॉडी जो कमज़ोर हो जाएगा और इसके वजह से क्या होगा, हम लोग का डेथ भी हो सकता है। कैसे जो है ब्लैक फंगस का ज़्यादा हमारे देश में देखा गया और पहले जो है कोविड-19 से स्ट्रगल करते हुए दिखा, अब इससे स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। ब्लैक फंगस का सिम्टम्स क्या है? ब्लैक फंगस का सिम्टम है कि नाक जो है आपका जाम हो जाएगा, सेकंड नंबर है कि ब्लीडिंग आएगा नाक से, थर्ड नंबर है कि स्वेलिंग हो जाएगा, फोर्थ नंबर है कि आपको जो देखने में परेशानी होगा, फाइव नंबर है आपको जो है फेशियल पेन होगा। फंगस से जैसे क्या करें कि जैसे हम लोग उससे बचें, जब आप हॉस्पिटल में तो क्या जो साफ सफाई रखें, सेकेंड नंबर है कि मुँह पर ध्यान दें, पानी हमेशा मारते रहें, थर्ड नंबर है कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक मिलेगा या फंगल्स मिलेगा मेडिसिन, तो उससे हम लोग बचना चाहिए। जो डॉक्टर लोग देते हैं उसका डॉक्टर लोग क्या करना चाहिए, उसको लिमिट में यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम लोग का जो इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। जो कोविड-19 से अभी जो रिकवर हुए हैं तो वो लोग क्या करना चाहिए, घर पर रहना चाहिए, अगर घर पर हैं तो वो लोग साफ सफाई रखना चाहिए, कहीं भी डस्ट नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, कहीं भी कंस्ट्रक्शन एरिया या हुआ या प्लेस हुआ वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो लोग अभी रेस्ट करना चाहिए और घर पर अपने मुँह और नाक को बढ़िया और साफ सुथरा और जल्दी रखना चाहिए। व्हाइट फंगस जो है कि वो ब्लैक फंगस से भी डेंजर है डॉक्टरों का कहना है, क्योंकि इसमें जो देखा गया है कि ये जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे जो है प्राइवेट पार्ट्स या जो टॉन्ग से स्टार्ट होता है, टॉन्ग को जो है व्हाइट बनाता है और ये सीधा होते हुए फूड पाइप और उसके बाद फूड पाइप होते हुए लंग्स और लंग्स से होते हुए ब्रेन, ज़्यादा इफेक्ट जो है लंग्स को पहुँच जाता है। उसका जो है सिम्टम्स क्या है, कोविड-19 से सेम है। इसमें क्या होगा कि आपको फीवर हो जाएगा, कफ हो जाएगा और डायरिया हो जाएगा और आपको क्या होगा कि डार्क स्पॉट जो है आपके लंग्स पे हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल है वो घट जाएगा। तो ये सब जो है सिम्टम्स है। इससे कैसे बचा जाए, इससे बचने के लिए क्या किया जाए कि देखा जाए कि जो जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो अभी कोविड-19 से रिकवर हुआ है, तो उससे क्या करें कि आप लोग को दूरी बना के रखें और जहाँ भी रहें साफ सफाई रखें। येलो फंगस जो होता है वो पार्ट जो है हमारा बॉडी के अंदर उसको क्या करता है कि इफेक्ट करता है, ये जो है बहुत ज़्यादा ड्राम। येलो फंगस का सिम्टम देखा गया है कि क्या होगा कि आपको जो है सुस्ती टैसे लगेगा, जो है भूख नहीं लगेगा और भूख रहेगा भी नहीं लगेगा और जो है वो घट जाएगा, ये सब जो उसका क्या सिम्टम है इन्फेक्शन से। तो आपको जो बासी खाना घर में नहीं रखना होगा। कोविड-19 से जब हमारा देश जो है स्ट्रगल कर रहा था तब बीच में क्या हुआ, फंगल इन्फेक्शन जो हमारे सामने आया था, फंगल का जो बीमारी है उसको पता लगाने के लिए क्या कहना है कि जिन लोगों का मीन्स इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या जो लोग वीक हैं तो वो लोगों को ये जो है बीमारी चांसेस ज़्यादा है। जो लोग मास्क पहनते हैं कोविड-19 से बचने के लिए तो वो लोग क्या करते हैं 4 to 5 days तक लोग जो है मास्क पहने रहेंगे, उसको धोएंगे नहीं, तो साफ सफाई नहीं रखिएगा तो आपको जो है फंगल इन्फेक्शन जो है आपको हो सकता है। लोगों को ऐसा जो सिम्टम्स नज़र आया तो वो लोग क्या किया, खुद से अपना जो है मेडिसिन लेना स्टार्ट किए, वो लोग खुद से स्ट्रॉइड या जो भी मेडिसिन हुआ वो लोग स्टार्ट कर दिए कि वो लोग इम्यून सिस्टम को कितने मेडिसिन भी आते हैं जो क्या करते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको कमज़ोर कर देते हैं। इसके लिए डॉक्टर को बताएं और उस जो वो बताया उसको ज़्यादा अटैक जो करे कोविड-19 सभी जो रिकवर है और जिनको डायबिटीज़ है और जिनका जो इम्यून सिस्टम है, जो इंडिया में ज़्यादा केसेस देखा गया तो कार्ड का यूज़ किए हैं या लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहे हैं या कोविड-19 से जो इन्फेक्टेड थे वो लोग रिकवर हो गए, तो वो लोगों सबसे बेस्ट तरीका है कि वो लोग क्या करें अपने जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। जिनका लंग्स में सूजन होता है तो वो लोग के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो लोग क्या करते हैं कि सबके लिए स्टेरॉइड यूज़ करते, तो ऐसा डॉक्टर को भी नहीं करना चाहिए और जो सब चीज़ देखते हुए ध्यान देते हुए ताकि जो है
ब्लैक फंगस की वजह से कितने लोगों की जान भी जा सकी और कितने लोग जो अपने ऑर्गन को इन्फेक्शन जो है हमारे बॉडी पार्ट में फैल जाता है, तो ये जो आपका डेट कट गया है ब्लैक फंगस की वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, हटवाना पड़ेगा, तो उसके लिए टिकल रिमूविंग कराना पड़ेगा। तो इसकी वजह से लोगों ने अपना जो है आइज खो दिया और जॉ खो दिया। ये जो बीमारी बहुत डरावना है और डेंजर है, तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से पहले जो है बात कर लें या जो डॉक्टर बोले वो करें, क्योंकि इसकी वजह से आप जो है अपना ऑर्गन भी खो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। सो फ्रेंड्स, आपको इससे बच के रहना होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें, जितने फ्रेंड हैं और जो आपके क्लोज हैं वो लोग के पास शेयर करें, ताकि वो लोग अलर्ट रहें।